तीन बोले आठ रन रह गए पर रुक भाई स्ट्राइक पर ओए वेलकम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे भाई। वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। फाइनली वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था, ZTS है। और अपने बंदों से मैचेस माज भाई और सुमेर भाई और अजहर भाई, हमारे अजहर भाई माज भाई वाले अजहर भाई, वो दोनों हमारे अगेंस्ट है। बाकी हमारी टीम से हमारी टीम में जो हमजा भाई हैं, फहद भाई हैं, अजहर भाई हैं और मैं हूँ। तो यार देखेंगे क्या होता है, हमारे भी बॉलर भी पूरे नहीं है और हमारे बंदे देखो कितने से खड़े हुए वहाँ खड़े हुए, और इनके देखो इनके तो पूरे तकरीबन लोग तो पूरे। तो यार कोशिश ये करेंगे टॉस जीत के, टॉस हम हारे अजहर भाई सुमेर भाई लोगों ने हमें बैटिंग दिए, कोशिश ये करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट बनाए ताकि इनको चेस में मुश्किल हो। और इसके साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अभी दिखाते हैं आपको अपनी बैटिंग। ये आ गए हमारे माज भाई। यार मैं इनके लिए कुछ कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि मेरा चीता ही अपोजिट है। ये अपने भाई सुमेर भाई, ये सुमेर भाई हजार रुपए दे रहे हैं मेरे को, मुझे खरीद रहे। पहला बॉल ही वाइट आ गया शॉट यार, वाज बेहतरीन छक्का, पहली बॉल पे छक्का भाई, नो बॉल भी है, नो बॉल भी है और 6 रन भी आ गया। बहुत आला शॉट मुस्तफा, शाबाश भाई साहब, बहुत अच्छा बैट पर आया ये बॉल इसका। कोई भी बॉल नहीं हुई है अभी तक और 10 रन आ गया है, बहुत लंबा स्कोर खींच लिया है नो बॉल के साथ भी। 6 रन, एक और छक्का भाई साहब। सामने वाली टीम है सुमेर भाई की, सुमेर भाई ये खड़े हुए, माजी वो खड़ा हुआ और अपने मुन्ना भाई अजहर भाई वहाँ पर टेंट के पास खड़े हुए और मुस्तफा के अगेंस्ट है सारे। ओ भाई साहब, अपने जो सारे बंदे हैं ना वो अलग अलग सफल हुए हैं, भाई एक अलग टीम में, भाई सिंगल है, सुमेर भाई जैसे अलग टीम में, माज भाई, इत्तेफाक की बात ये है हमारे 3-4 बंदे ना वो 2 टीम के अंदर है, जैसे 3 बंदे सुमेर भाई की टीम के अंदर है और 4 बंदे अजहर भाई की टीम के अंदर है, माइकल अजहर भाई की टीम में। ये भी उड़ जाता, एक ही रन मिलेगा। शबा रेहान भाई इसके ओवर के अंदर खींच लें और रेहान भाई फेस करेंगे, देखकर रेहान भाई अपने एंड से कैसे लेते हैं स्कोर। ओ पहली बॉल तो ना दिए भाई साहब, नहीं स्लिप हो गया, 2 रन बन गए। शबा रेहान भाई, रेहान भाई के एंड से भी अगर 1-2 छक्के लग गए ना तो आराम से स्कोर 20 से प्लस हो जाएगा, अभी भी 20 से प्लस हो गया होगा मे भी शायद। शॉट यार रेहान भाई, एक और छक्का भाई, बहुत आला शॉट यार भाई, अगर ये दोनों स्टार्ट हो गए ना, रेहान भाई बहुत क्लासी बैट्समैन है, अवेज भाई है हमारे, अवेज भाई के भाई हैं, अगर रेहान भाई और ये स्टार्ट हो गए ना वो मुस्तफा, और इन लोगों की विकेट नहीं गिरी 5 ओवर से पहले तो भाई ये 100 से ऊपर पहुँचा देंगे ये लोग स्कोर। अभी भी 2 बोले बाकी रह गई हैं और लड़का बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, उसकी नो बॉल वगैरह बहुत हुई है ना। 5वां छक्का भी खा लेंगे, नहीं जनाब, रन पीछे का 1 रन है, यहाँ पर पीछे जाने का 1 रन है। लास्ट बॉल रेहान भाई स्ट्राइक पर, करेंगे। अरे यार थोड़ा सा जल्दी चलेगा वरना आराम से स्कोर ले जाते। चलो ओवर कंप्लीट हो गया मेरे भाई, ये भी बोलने अभी करते रास्ते के अंदर। शॉट रेहान भाई, 6 रन भाई, बहुत आला रेहान भाई, क्योंकि पहले ही ओवर के अंदर 27 रन लिया और अभी इस ओवर का स्टार्ट भी पहले छक्के से, और वाइड वाइड बॉल आ गई, दूसरा बॉल कैच ड्रॉप हो गया कीपर की तरफ से, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है मुझे ऐसा फील आ रहा है। ओवर का तीसरा बॉल और फ्लाइटेड दीदी उठा दिए, अरे मौज भाई ने कैच छोड़ दिया, ओए होए मौज भाई ने कैच छोड़ दिया, रेहान भाई मेन विकेट, इनकी सिर्फ मेन विकेट है, अजहर भाई अभी फॉर्म में नहीं चल रहे ना, इस वजह से इन वो अजहर भाई की माइकल की टीम की 2 मेन विकेट है, एक मुस्तफा और एक रेहान भाई, अजहर भाई तो अभी फॉर्म में नहीं चल रहे ना, अजहर भाई अगर बल्ला चल गया तो अजहर भाई भी मेन विकेट में काउंट हो जाएंगे, मगर अभी उनका बल्ला नहीं चल रहा ना तो अभी के लिए रेहान भाई और मुस्तफा मेन विकेट है। ओए 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 ओए
आज देखना स्लो आ रही है, दिमाग से बॉल कर रहा है लड़का, स्लो रन भी कर रहा है। शॉट यार, छह रन बहुत पीछे टप्पा खिला दिए इसने, और टाइम भी बहुत ज्यादा मिला भाई वो उसको, मुस्तफा को टाइम भी बहुत ज्यादा मिला। ओवर का पता नहीं पांचवा बॉल है, ओए टॉप एज, कौन आएगा कौन आएगा कौन आएगा, पहुंच तो गया लड़का मगर नहीं नहीं भाई नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। यार ये कैचेस छूटने वाले मैचेस नहीं है भाई, कैचेस विन मैचेस होते हैं। माज भाई क्या कर रहे हो, रियान भाई का कैच छोड़ा है आपने यार। तीसरे ओवर का पहला बॉल रियान भाई स्ट्राइक पर, और एक रन होगा ना, एक रन। शॉट यार रियान भाई, एक और छक्का भाई साहब, ये तो रुक ही नहीं रहे ये लोग, ये तो रुक ही नहीं रहे, बिना सांस लिए छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं। गुड बैटिंग रियान भाई, गुड बैटिंग, शाबाश। दोबारा एक और छक्का भाई, क्या बात है रियान भाई, भाई ये तो अलग ही कुछ वे में चल रहे हैं दोनों बैट्समैन भाई। मुझे तो लग रहा है रियान भाई का जो नाम है ना वो दीवारों पे लिख के जाना पड़ेगा कि रियान भाई ने यहाँ पे ZTSL में ऐसी बैटिंग करी थी। दोबारा और एक और शॉट, फिर छक्का, ओए ओए, ये क्या बॉल डाली थी, बॉल क्या डाली थी, समझ से बाहर है। सुमेर भाई थोड़े परेशान हुए मैं अपने बॉलर की वजह से, क्योंकि पता नहीं क्या बॉल डाली थी ये वाली, और छह रन पे चला गई। ये स्लो रन पता नहीं कहाँ स्लो रन डाली थी इसने, स्लो रन के नाम पे ये धब्बा थी ये बॉल। तीन बॉलों पे तीन छक्के तो लगा दिए, और ये फुल टॉस पे भी छह रन आ गया था। चलो एक ही रन मिलेगा, मुस्तफा स्ट्राइक करेगा अगेन, दोबारा मुस्तफा फेस करेगा लास्ट बॉल। यार ये छक्का आना था यार, चलो सिंगल आ गया। 19 रन स्कोर हो गया इस ओवर के अंदर भाई, बहुत अच्छा स्कोर खींचा है, तीन पे तीन छक्के मारे, और मुस्तफा लास्ट बॉल मुस्तफा को मिल गई थी, अगर ये मार देता ना मुस्तफा लेग स्टंप से तो छः रन आ जाता, 62 रन हो गए तीन ओवर के अंदर, बहुत ज़्यादा स्कोर हो गया तीन ओवर के हिसाब से। चौथे ओवर का पहला बॉल मुस्तफा फेस करेगा, गैप में शॉट है, चार रन आ गया। मुस्तफा ने भी पहले ओवर में मारा था, इस ओवर में दोबारा मारना स्टार्ट कर दिया। 24 रन, तोबा, व्हाट द हेल इज दिस यार, ये क्या हो रहा है। पहला मैच निकल गया हमारा, सोने नहीं दिया। एक वाइड बॉल, तेज बॉल, वाइड बॉल, वाइड बॉल, स्ट्राइक चेंज हो गई, वाइड आ गया, 6 रन आ गए एक बॉल पर, एक बॉल पे 6 रन आ चुके हैं। आगे बढ़ के ट्राई करा था रेहान भाई ने, आएगा थोड़ी, दो रन आ गया, इजी डबल हो गया। चौथा बॉल, शॉट यार, कैच है, फिर ड्रॉप भाई साहब, फिर ड्रॉप कर दिया कैच, ऐसा लग रहा है कैच की तो है ही नहीं, कैच की है ही नहीं ऐसा लग रहा है। वाला कैच तो बिल्कुल हाथों का कैच गिरा है, माज भाई वाला तो चलो बहुत ऊंचा कैच था, मगर ये तो बिल्कुल हाथों का था। शॉट यार मुस्तफा, और छोड़ो सजा मिले, 6 रन भाई, बहुत आला यार शॉट, अभी भी एक बॉल बाकी रह गई है, ये वाली बॉल तो स्कूल से बाहर गई है, स्कूल के भी पीछे गली के अंदर गिरी है, और अभी भी बहुत ज्यादा स्कोर हो गया है। अरे स्लो रन, चलो ये डॉट आ गई, 15 रन आ गए, कोई बात नहीं, एक ओवर है अभी, शाबाश। लास्ट ओवर का पहला बॉल रियान भाई फेस करेंगे, पहला छक्का, बड़े मियां तो बड़े मियां, छोटे मियां भी सुभान अल्लाह, पहले बॉल पे छक्का, दूसरा बॉल गफार अपने रन अप पर, और ये 1 रन, 6 रन है, बाहर गिर गए भाई, यहाँ से उस तरफ गिर गए, 6 रन आ गए, 2 बॉलों पे 2 छक्के आ गए। तीसरा बॉल ओवर का रियान भाई, फिर वाइड, एक बॉल वाइड आ गए, 13 रन आ गए 2 बॉलों पर। सुमेर भाई के पास बॉलिंग पर मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा कमी पेशी है सुमेर भाई के पास बॉलिंग पर, क्योंकि बॉलिंग नहीं है, क्योंकि पता नहीं किस बॉलर से करवा रहे हैं, पर प्रॉपर बॉलर नहीं है शायद ये। एक और वाइड, 2 बॉले 14 रन, 2 लगातार वाइड। तीसरा बॉल, कन्फ्यूज लग रहा है बॉलर, अरे
छक्के वाला बॉल था ये, कवर कराने की शर्त लाजमी, छक्के वाला बॉल था ये। चौथा बॉल, ए शॉट, माजी नीचे, चलो माजी का कैच आ गया, माजी का कैच आ गया, माजी ने कैच छोड़ा था, माजी ने कैच पकड़ लिया। दो बोले बाकी रह गई हैं अभी, और अब हमारे माइकल अजहर भाई आएंगे बैटिंग पर। लास्ट बॉल नहीं, सेकंड लास्ट बॉल, देव लो, चलो लास्ट बॉल मुस्तफा फेस करेगा, अजहर भाई के डायरेक्ट ही पाँव पर आके लग गई। लास्ट बॉल ओवर का, पहली इनिंग का आखिरी बॉल, और ये बॉल डॉट, तो पहली इनिंग एंड हो गई है। जैसे कि 62 रन था तीन ओवर के अंदर, और लास्ट के दो ओवर के अंदर थोड़ा बहुत कमबैक करा है माज भाई लोग की टीम ने, और सुमेर भाई लोग की टीम ने बहुत थोड़ा बहुत कमबैक करा है लास्ट के ओवर्स के अंदर। भाई पांच ओवर के अंदर 92 रन हमने बनाए, 93 रन का टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है। इस विकेट पे मैंने तो पहली बार खेला है, पहली बार नहीं खेला, झूठ बोल रहा है, ग्राउंड में पहले सीरीज खेल चुका है, मैंने नहीं खेली। तो यार 93 रन का टारगेट है, काफी अच्छा टारगेट है, वो तो अच्छा हुआ हमारे बैट पे थोड़ी सही आ गई बॉल। और रेहान भाई ने, रेहान भाई आउटस्टैंडिंग इनिंग यार, रेहान भाई ने बहुत आला बैटिंग करी है, मुझसे बहुत अच्छी बैटिंग की है रेहान भाई ने, बहुत प्यारे क्लास की बैटिंग, वेरी वेल टू रेहान भाई ने, बहुत टाइट बैटिंग की यार, एक लाख रेहान भाई की बैटिंग के लिए, बहुत भाई ने बहुत ज्यादा मेरे को अप्रिशिएट किया, थैंक यू, मोटिवेट किया। इसके साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अभी मिलते हैं सुमेर भाई की बॉलिंग पर, हमारी बैटिंग पर, सुमेर भाई की बैटिंग पर, सुमेर भाई लोगों की बैटिंग पर और हमारी बॉलिंग पर, तभी दिखाते हैं आपको अपनी बॉलिंग। माज भाई के सामने है हमारे वन एंड ओनली फहद भाई बॉलिंग पर, क्योंकि अजहर भाई की टीम में हमारा एक बॉलर भी है फहद भाई, जिसका नाम है, और पहली बॉल करेंगे माज भाई को, माज भाई वर्सेस फहद भाई, और फहद भाई का स्टेप, जो मेन मसला आता है फहद भाई के साथ स्टेप का, वो मुझे आता हुआ पहली बॉल पे नज़र आ रहा है। अब देखते हैं फहद भाई कौन भारी पड़ेगा, फहद भाई या फिर माज भाई, कमेंट सेक्शन में बताओ, यहीं पर ही पॉज करो वीडियो और कमेंट सेक्शन में बताओ फहद भाई भारी पड़ेंगे अपना किंग माजी भारी पड़ेगा। लेट्स सी पहली बॉल फहद भाई की, ओ स्टेप खराब, स्टेप खराब हो गया, स्टेप खराब हो गया, वाइट बॉल वाइट पे सिंगल आ गया, स्टेप खराब हो गया, वाइट पे सिंगल आ गया। पहला बॉल फेस करेंगे फर्रुख नाम का बैट्समैन है, माज भाई के साथ आए, ओ पहला बॉल डॉट, पहला बॉल डॉट फादी का, पहला बॉल डॉट फादी, यू नो व्हाट, नॉट कमिंग स्लो भाई। एक बॉल पे दो रन आ गए, तीसरा दूसरा बॉल करेंगे फहद भाई अपने, और ग्राउंड शॉट एक रन बनेगा सर, ग्राउंड शॉट एक ही रन बनेगा, मगर लेट्स सी, माजी तो है अपना किंग माजी, और डॉट बॉल, और वाइड बॉल, चौथे ओवर का नहीं, पहले ओवर का चौथा बॉल, और कॉट, और भाई कैच छोड़ दिया माजी का, माजी का कैच छोड़ दिया, अच्छी बॉल करी है फहद भाई ने। पांचवा बॉल फादी का, शॉट माजी, और छोड़ो कैच, छह रन, शॉट हो गया माजी, शाबाश, एक ओवर लेना है लास्ट बॉल पर, फहद भाई को एक छक्का लग गया, फहद भाई मतलब अभी जो देख रहे हैं ना, दोनों बराबर ही चल रहे हैं, ना ज्यादा फहद भाई भारी पड़ रहे हैं, ना ज्यादा माज भाई भारी पड़ रहे हैं, दोनों बराबर ही है, इक्वल इक्वल 50-50 चल रहा है अभी माज भाई और फहद भाई का। मगर लास्ट बॉल पे भी अगर छक्का लग गया, लास्ट बॉल पे भी अगर छक्का लग गया ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट बॉल फादी अपने रनअप पर, लेट्स सी, वाइड बॉल, लेग स्टंप से वाइड बॉल, लास्ट बॉल फादी का, 11 रन देगा फहद भाई, और फिर कैच, और फहद भाई भारी पड़ गया भाई, फहद भाई भारी पड़ गया भाई, भाई फहद भाई भारी पड़ गया भाई, माज भाई पर हमारे फहद भाई फादी भारी पड़ गया भाई, मतलब चलो खैर है, खैर है, बस अली फहद भाई यार, गुड बॉलिंग यार फहद भाई। हमजा भाई आए बॉलिंग कराने के लिए, वन एंड ओनली हमारे, वाइड बॉल, पहला बॉल वाइड, पहला बॉल हमजा भाई का, और छह रन, पहली बॉल पे छक्का हमजा भाई को, हमजा भाई को पहली बॉल पे छक्का। पहले ओवर में थोड़ा कम स्कोर आया, इस ओवर के अंदर ये लोग, इन लोगों का टारगेट रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर खींचे, अगर तो इस ओवर के अंदर भी 11-12 रन ही आएगा तो पूरा मैच वन साइडेड हो जाएगा। मगर लेट्स सी हमजा भाई कैसी बॉलिंग करते हैं, हमजा भाई भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, ओ एक और छक्का, एक और छक्का भाई साहब, चलो तीसरा बॉल, एक और, दो रन की कॉल है,
नहीं नहीं एक रन बनेगा, रन आउट की कॉल मगर नहीं, दो रन बन गए। तीसरा बॉल है अब, शॉट, एक और छक्का भाई साहब, एक और छक्का भाई, क्या बात है भाई। हमजा भाई को तीन छक्के पड़ गए एक ओवर में, चार बॉलों पे आ गए हैं 20 रन। हमजा भाई कम ऑन, कमबैक करना है, शाबाश। मैं दोनों साइड पर हूँ क्योंकि बैटिंग साइड पे भी मेरे बंदे और बॉलिंग साइड पे भी मेरे बंदे। पांचवा बॉल देखते हैं कैसी होगी, बैट देखो भाई कहाँ से पकड़ा हुआ है बैट्समैन। शॉट गैप में है मगर रियान भाई है, चलो चार हो गया, एक और चार मिल गया, एक और चार मिल गया, 24 रन दे गए भाई हमजा भाई। इन लोगों ने पिछले ओवर का जो स्कोर है ना वो कवर कर लिया। लास्ट बॉल ले गई हमजा भाई की और लेट्स सी हमजा भाई कैसी बॉलिंग करते हैं। बॉलर का नाम क्या? दानियल। अरे हाय मुंह पे लग गई, मुंह पे लग गई। आसिफ, आसिफ आग बच गई है। ओवर हो गया, ओवर हो गया और 24 रन तकरीबन आए ओवर के अंदर। बहुत अच्छा स्कोर खींच लिया है इस ओवर के अंदर हमजा भाई का। बात की कैरियर पर अगर नजर डाली जाए तो बिल्कुल ही तबाह दिखाई देता है, आज देखते क्या करते हैं। वेयर वाइज स्ट्राइकर, पहली बॉल पे बोल्ड मार दिया भाई साहब, पहली बॉल पे बोल्ड मार दिया भाई, मॉन्स्टर मॉन्स्टर को मारे, पहली बॉल पे बोल्ड मार दिया भाई, गंदी हुई भाई बहुत ज्यादा, पहली बॉल पे बोल्ड यार। यंग टैलेंट ने तबाही मचा दी है, पहली ही बॉल पर सफलता ले ली है। अभी भी 11 बॉलों पर तकरीबन 57 रन चाहिए, पॉसिबल है स्कोर, नहीं 11 बॉलों पर नहीं 17 बॉलों पर, 17 बॉलों पर 57 रन चाहिए और पहली बॉल 6 रन, नहीं 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 6 रन नहीं, कैच हो गया भाई, कैच हो गया, 6 रन का, 6 रन नहीं कैच हो गया भाई। हैट्रिक चांस है लड़के की, लेट्स सी क्या होता है, हैट्रिक होती है या नहीं होती। रह गई। तीन बोले 0 रन है भाई, यहाँ पर मैच हो रहा है, वन साइडेड हो रहा है यहाँ पर मैच। चौथा बॉल, ओ एक और बॉल डॉट भाई साहब, मेड इन ओवर जा रहा है लग रहा है, मेड इन ओवर जा रहा है बॉय का, बहुत आला बॉलिंग कर रहा है यार, बहुत आला बॉलिंग कर रहा है। अगेन दोबारा कितनी, पांचवी बॉल, सही है कोई बात नहीं, पांच पे चार, 4 रन आ गया, 4 रन आ गया है। लास्ट बॉल, बहुत प्यारी बॉलिंग हुई है यार, ए वाइट बॉल आ गई, 5 बोले 5 रन आ गए और ये एक और बॉल डॉट। तो भाई ये ओवर खत्म हो गया, ये और 5 रन पे ओवर करवाया है, बहुत प्यारा ओवर करवाया है, 52 रन रह गए 2 ओवर के अंदर। फाद भाई हैं दोबारा ओवर करवाने के लिए और 2 ओवर में 52 रन चाहिए और बहुत ज़्यादा रन रह गए 2 ओवर के हिसाब से, और फाद भाई ने तो पहला ओवर ही इतना तगड़ा करवाया था। लेट्स सी पहला बॉल, आउट हो गया, आउट हो गया, अबे भाई फादी ये क्या कर दिया, बहुत जबरदस्त यार, अबे फादी ये क्या कर दिया, अबे भाई चलो वापस बुला लिया, वापस बुला लिया, वापस बुला लिया, वापस बुला। फाद भाई का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखो भाई, ये चेक करो फाद भाई का आउट चेक नहीं, फाद भाई का प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करो। अरे बॉल हो गई यार, एक ही रन मिलेगा। दूसरा बॉल फाद भाई का, ओ शॉट यार, 6 रन आ गया। तीसरा बॉल है फाद भाई का, 8 रन आ गए 2 बॉलों पर, एक और छक्का, क्या बात है फरूख भाई, एक और छक्का भाई, 2 बॉलों पे 2 छक्के फाद भाई को। चौथा बॉल, 14 रन दे गए फाद भाई, दो बोले बाकी रह गई हैं फाद भाई की, एक और छक्का भाई साहब, 3 छक्के फाद भाई के ओवर के अंदर। लास्ट बॉल फाद भाई का, 20 रन तो तकरीबन आ गए, एक और छक्का भाई, 4 छक्के फाद भाई को एक ओवर के अंदर भाई साहब, 26 रन दे गए फाद भाई और 52 रन चाहिए था 2 ओवर के अंदर और अभी 26 रन दे गए फाद भाई। चलो पहली बॉल पर सिंगल आ गया, 22 रन नहीं चाहिए थे, 26 रन चाहिए थे एक ओवर के अंदर और अभी 25 रन रह गए 5 बॉलों पर। दूसरा बॉल,
और वाइट बॉल 24 रह गए 5 बॉलों पर। भाई जहाँ वन साइडेड होता हुआ नजर आ रहा था मैच, वहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, सच में बहुत बड़ा ट्विस्ट आया, क्योंकि जहाँ वन साइडेड हो रहा था मैच वहाँ ओ छक्का, नो बॉल पे 6 रन, नो बॉल पे 6 रन आ गया भाई साहब, भाई नो बॉल दिया लेग अंपायर ने, नो बॉल दिया, फ्री हिट है फरूख भाई के पास, वाइट बॉल आ गए, वाइट बॉल 10 रन दे दिए, 16 रन चाहिए 5 बॉलों पर 16 रन रहेगा। रियान भाई के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि एक बॉलर अजहर भाई का कम था, उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो इस वजह से वो नहीं आ पाए, तो एक ओवर इसलिए रियान भाई करवाने पड़ रहे रियान भाई को। 6 रन भाई, एक और छक्का भाई, क्या बात है यार, ये बंदा अकेले बना देगा भाई, ये भाई अकेला बना देगा ये बंदा, मुझे ऐसा फील आ रहा है। सुमेर भाई आए इनाम देने के लिए, भाई सुमेर भाई इनाम 5,000 रुपये इनाम देने के लिए आए सुमेर भाई, क्या बात है सुमेर भाई पक्का रिवेंज मूड में चल रहे हैं सुमेर भाई हमारे, क्योंकि अजहर भाई ने माज भाई आउट हुए थे ना, तो अजहर भाई ने थोड़ा एग्रेशन दिखाया था, तो इस वजह से वो सुमेर भाई भी अपना एग्रेशन दिखा रहे हैं। दो रन करने आ जाओ, अरे रह गए दो रन बन गए, पाँव स्लिप हो गया रियान भाई का, 3 बॉल 8 रन रह गए हैं फर्रुख भाई, वन साइडेड मैच खींच कर लेकर आए भाई इतना एंड सिचुएशन तक, और लिटरली भाई मैं तो बिल्कुल ही उम्मीद हार गया था, मगर फर्रुख भाई भाई नॉट कमिंग स्लो भाई, 3 बॉल 8 रन रह गए फर्रुख भाई स्ट्राइक पर, ओए 6 रन भाई, नो बॉल नहीं है, 2 बॉल 2 रन रह गए भाई, 2 बॉल 2 रन रह गए भाई साहब, 2 बॉल 2 रन, ओए भाई साहब मैच पूरा वन साइडेडली खत्म कर दिया है भाई, ओ भाई खैर भाई, पूरा मैच वन साइडेड मैच को खींच के लेकर आ गया भाई बंदा, यार भाई क्या बात है यार, अल्लाह की कसम है भाई, ये मैच सबसे खतरनाक मैच हुआ है, इतना वन साइडेड मैच और उसको वापस खींच के लेकर आ गया बंदा, भाई क्या बात है यार, अल्लाह की कसम भाई, बहुत अच्छी बैटिंग करी है यार, लिटरली यार बहुत अच्छी बैटिंग करी है। बनवा देता रन पर इसके साथ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोनों टीम तो एक ही है ना, दोनों लेकिन यार हारने वाला मैच दोनों टीम एक ही है, माज भाई जीते आप लोग जीते, एक ही बात है, चलो ले माज भाई लेकिन फर्स्ट जगह पे नहीं कराई।